नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। किसानों के समर्थन में मोतिहारी समेत प्रदेश भर में भारत बंद का दिखा व्यापक असर। एम्बुलेंस को जाम से निकलवाते दिखे प्रदर्शनकारी। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी, ससमय संपन्न कराने हेतु की समीक्षा बैठक, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। आजाद हिंद फौज के सरगना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर एसटीएफ को मिली थी गुप्त सूचना। मझौलिया में एक युवक की हुई हत्या। रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। पश्चिमी चंपारण के महिला थाना स्थित यातायात ओपी का आज हुआ उद्घाटन। चंपारण रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद ने फीता काट कर किया शुभारंभ। नौतन बैरिया विधायक नारायण प्रसाद ने मनरेगा सभागार भवन में आयोजित प्रखंड व अंचल कर्मियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक। मधुबन में चलाया गया शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान। शराब कारोबारी चढ़ा पुलिस के हाथ थे। पिपरा में रफ्तार ने बरपाया कहर। एनएच 28 पर स्विफ्ट कार ने खड़ी ट्रॉली में मारी जोरदार टक्कर। कार सवार एक युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। और पूर्वी चंपारण के मधुबन में पीडीएस दुकानदार के डिक्की से बदमाशों ने उड़ाए 50,000 रुपए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के भारत बंद की। तो कृषि से जुड़े 3 नए कानूनों के खिलाफ आज देश भर में चक्का जाम रहा। किसान संगठनों के अलावा लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। बिहार में भी चक्का जाम का व्यापक असर देखने को मिला। मोतिहारी शहर के गांधी चौक, छतौनी चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर विपक्षी दलों ने आगजनी कर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का विरोध किया। नरकटिया से राजद विधायक डॉक्टर समीम अहमद ने अपने समर्थकों के साथ स्थानीय गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आज इस तरह इस देश को फिर गुलामी की तरफ ले जाने के विरोध में हम लोग, केंद्र सरकार जो किसान के विरोध ये बिल जो लाया है, इसके खिलाफ में हम लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। इसमें मेन कारण ये है कि ये कोरोना काल में ऐसे विधेयक को ला करके इस देश पर थोपना बहुत ही खराब बात है। और इस तरह की काला कानून जब तक नहीं वापस होगा ये लड़ाई जारी रहेगी। आज जिस तरह पूरे देश ये आज़ाद देश है, नहीं कि ये गुलाम देश नहीं है, आज़ाद देश है। जिस तरह से सभी को आज़ादी है और किसान भी हमारे आज़ाद थे, तो इस आज़ाद देश में आज 80% किसान हमारे यहाँ है, 80%। और इस देश को अगर कोई चला रहा है तो उसका नाम किसान, उनके थ्रू ये चल रहा है। आज ये 3 विधेयक लाए करके इस पूरे किसान को गुलाम बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस काले कानून के खिलाफ में हम लोग समर्थन में। शहर में चक्का जाम का असर साफ तौर पर देखने को मिला, जिससे कई जगहों पर लोग काफी परेशान भी दिखे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि आंदोलन के दौरान अनिवार्य सेवाएं चालू रही। एम्बुलेंस को प्रदर्शनकारी जगह देकर जाम से बाहर निकालते देखे गए। अमूमन ऐसी तस्वीर इस दौरान काफी कम ही देखने को मिलती है। पूर्वी चंपारण के सुगौली की बात करें तो वहां भी विभिन्न दलों ने मुख्य मार्ग को जाम कर कृषि कानून वापस लेने की मांग की। यहां भी प्रदर्शन कर रहे लोग एम्बुलेंस को रास्ता देते दिखे। देखिए जरा, सुगौली एसटीएम कॉलेज के समीप एनएच पे यहां पे आज भारत बंद है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पीछे प्रदर्शन कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कई पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि माले के भी कार्यकर्ता मौजूद है, आरजेडी के और कांग्रेस के भी यहाँ पे मौजूद है, और सीपीआईएम के कार्यकर्ता भी मौजूद है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों, कई दूर तक जाम लगी हुई है।
और आपको हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, जो कर्जकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भारत बंद है, कैसा यहाँ माहौल में प्रदर्शन किया जा रहा है, बात करें। क्या नाम है आपका? धनंजय पुरी, CPIM के अंचल मंत्री सुगौली। प्रदर्शन आज कर रहे हैं, किस मांग के लेके कर रहे हैं? हम लोग आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, आज जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है केंद्र सरकार, आज किसानों से जमीन छीनना चाहता है, किसानों का अधिकार छीनना चाहता है, उसमें हमारे पूरे देश में किसान आज 11 रोज से आंदोलनरत हैं। हम उन्हीं के समर्थन में सुगौली में अपना आंदोलन कर रहे हैं, संयुक्त मोर्चा बनाकर महागठबंधन के तरफ से, जिसमें CPIM, कांग्रेस, राजद, माले, ये सब हमारे जो महागठबंधन के दल हैं, सभी लोग हम संयुक्त रूप से आज यहाँ हम लोग किसानों के समर्थन में सुगौली में रोड चक्का जाम किए हुए हैं। और यहाँ पे कर्जकर्ता मौजूद है, राजद कर्जकर्ता, इनसे भी बात करनी। आज हम लोग जाम किए हैं सुगौली में, NDA गठबंधन की जो सरकार है या प्रधानमंत्री जो है, ये सरकार जो है अंधी गुंगी सरकार है। किसान आज 14 रोज से रोड पर मर रहे हैं, दिल्ली में जाम किए हैं, लेकिन किसानों की समस्या पर वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारत बंद है आज एक दिन के लिए है। हम लोग की मांगे कि दिल्ली गद्दी पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी कानों में तेल डालकर सोए हुए हैं। हम लोग उनको जब तक जगाएंगे नहीं, कानून को जो किसान विरोधी लागू किए हैं इसको वापस जब तक हम लोग नहीं कराएंगे, हम लोग का धारणा एक दिन के बजाय अनवरत चलेगा। फिनहरा की बात करें तो वहां भी बंद का मिली जुली असर देखने को मिला। बाजार की सभी दुकानें बंद रही। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। भारत के पूरे किसान आज रोड पर क्यों है, ये सारे जनता की बात है। भारतवर्ष के भारत का किसान इसलिए है कि यहाँ हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है वो सरकार दमनकारी है, फूट डालो शासन करने वाली है और विदेशी नीति पर चल रही है। आज जो भंडारण जो करेगा विदेश यहाँ के पूंजीपति, उसका दाम दुगुना चौगुना पर वो सामान बेचेगा, अपने मन से बेचेगा। किसान अपनी उपज करेगा लेकिन भारत सरकार कहती है कि उसका दाम हम तय करेंगे। भारत की सरकार एक हिटलरशाही रवैया अपना रही है। हमारे किसान जो है 13 दिन से दिल्ली का चारों बॉर्डर सील किए हुए हैं, उसके बाद भी उनके नेता जो है ना नरेंद्र सिंह तोमर जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कई बार बैठकें की लेकिन सारा जो है बैठकें में वो अपनी ही बात मनवाने के जो वजह से आज पूरा भारत बंद है। महागठबंधन के लोग, राजद हो, जो कांग्रेस हो, जितने भी हमारे लोग हैं, सब हम लोग मिल के भारत बंद का सहयोग कर रहे हैं और मोदी जी और उनकी तानाशाही सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी नज़र में हम अगर किसानों का समर्थन करते हैं, अगर आप हमें हिटलर शाही, अगर आप हमें आतंकवादी कहते हैं, तो आपके अगर जो विरोध करने से अगर हम आतंकवादी हैं तो ये चीज़ हम अपने आप को मंजूर करते हैं कि हाँ हम आतंकवादी हैं। ये रोड पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और ये सरकार जो है कान में चुन नहीं रह रहा है, इससे वार्ता जो कर रहे हैं ये जो है खाली संशोधन की बात कर रहे हैं, संशोधन से होना ही वाला नहीं है। ये जो तीनों जो कानून पारित किए हैं ये जो है किसान विरोधी कानून है। हफ्तों से किसान हमारे जो है भूखे प्यासे थाना पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि ये निकम्मी सरकार जो है अभी तक उनके कान पर जू नहीं गिन रहा है। ये कड़ाके की सर्दी में भी वो है अपने को जो है लोग नंगे पांव, नंगे आसमान में जागे के दिन में लोग हैं, लेकिन ये सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये लड़ाई हो रहा है इसमें कुछ एक कानून है जो काला कानून है। उधर ढाका में किसान आंदोलन के समर्थन में बंद का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। सुनिए क्या कहा वहाँ के लोगों ने।
हम लोग किसान हैं जी, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और अपना खून पसीना बहाते हैं और सरकार अपना मनमानी कर रही है, हम लोग कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, जो मन में आता है ऐसे यानी कानून बना देता है, इस कानून को वापस ले नहीं तो हम लोग धरना पर से नहीं हटेंगे। कारण सभी मीडिया भाई जानते हैं और मीडिया भाई का शुक्रगुजार हैं कि जो ईमानदार मीडिया भाई है वो उछालने का काम कर रहे हैं। जो भी बिल उन्होंने ले आया है एक एक पॉइंट को आप लोगों ने पढ़ रखा है, हम सीधा बात जानते हैं कि ये बिल किसान विरोधी है और हम लोग किसान के बेटा है, हमारे नेता किसान के बेटा है, हम लोग इसका विरोध करेंगे। मेरे फादर किसान हैं, इस वक्त इस सरकार में किसानों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और उसके साथ साथ ये ऐसा बिल ला के सामने पेश कर रहे हैं जिससे कि किसान और परेशान हो रहे हैं। पूरे भारत में इस वक्त धरना प्रदर्शन है, हम प्रदर्शन का साथ दे रहे हैं, किसानों के साथ में हैं। इस बिल के आने के बाद किसानों की हालत और ही ख़राब होने वाली है, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप इस काले कानून को, इस बिल को वापस लें। पार्टी पूरे भारत की 14 पार्टी इस किसान विरोधी जो बिल लाया गया है किसान के समर्थन में, पूरे देश की पार्टी इसका समर्थन कर रही है बंद का। उसी तहत हम लोग बिहार में जो गठबंधन के लोग हैं हम लोग भी इसमें बंद के समर्थन में हैं। हम लोग जो सतर्कता पूर्वक जो है ना कार्रवाई होती है, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं कि जो है आप किसानों के हित के लिए कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आम जनता की जो परेशानी है उसको भी ध्यान में रखना है। और लोगों द्वारा आश्वासन दिया गया है, बंद शांतिपूर्ण है। इसमें इमरजेंसी है, एम्बुलेंस है, उसके लिए हाँ इमरजेंसी आदि को छोड़ा जा रहा है, इमरजेंसी आदि को छोड़ा जा रहा है और वो जो घोषणा हुई है बंद की उसमें भी ये बात समाहित है। कृषि कानून के खिलाफ चिरैया में राजद नेता अचलाल प्रसाद यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर दिखे, बंद का मिली जुली असर वहाँ भी देखने को मिला, देखिए जरा। नमस्कार, अभी हम मौजूद है पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया में, यहाँ पे राजद के पूर्व प्रत्याशी अचलाल प्रसाद के नेतृत्व में इनके समर्थकों के द्वारा कृषि कानून बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनकी मांगे और क्यों ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अन्न का उत्पादन करते हैं, आज इस देश के अंदर जितनी भी कंपनियां चलती हैं सारे उत्पादक वस्तु पर MRP लिखा रहता है। कंपनी स्वतः कंपनी को अधिकार है अपने वस्तु पर MRP लगाना, उसका दर तय करना। हमारी मांग है सरकार से कि मारे मेरे किसान भाई जिनके उत्पादन से पूरे हिंदुस्तान के एक एक लोग भी उन्हीं के अन्न से आज जीवन जी रहे हैं और उनकी जो उत्पादकता है, उनकी जो उत्पादन है, हम लोगों का मांग है कि उनको भी MSP का हक मिलना चाहिए। वो अपने उत्पादक वस्तु का दाम वो खुद लगाने का काम करे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी लागत कितना है, हम कितने मुनाफे रखकर इसको हम बेचने का काम करेंगे तो मेरे बच्चों का भरण पोषण जाएगा। जिसके विरुद्ध सरकार ने कानून लगाई है, इसी कानून के विरुद्ध में आज हम लोग रोड जाम किए हैं और धरना पर बैठने का काम किए हैं, और आज ही नहीं किए हैं, जब तक इस काला कानून को सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक हम लोग ये धरना ही करेंगे और धरना के साथ साथ हम लोग जन आंदोलन पर उतरने का काम करेंगे। आज के जो किसान हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कम से कम 20 करोड़ लोग TV देखता है, TV न्यूज़ देखता है और 40 करोड़ इंटरनेट का प्रयोग करता है। तो सरकार जो एक काला कानून लाया है किसानों के खिलाफ, उसका रिजल्ट आप हाथ वहाँ देख रहे हैं, पत्रकार हैं, बात को समझ रहे होंगे कि पिछले साल जो धान का प्रोडक्शन हुआ था उसको शुरुआती दौर में 1750 रुपये बेचा गया था और उसे दाम बढ़ा ही था, लेकिन यह कानून जो ही आया धड़ाम से ना वो भाव गिरा और जा करके 1100-1200 रुपये क्विंटल हो गया। पिछले साल जब ये कानून नहीं आया था तो 1900-2000 रुपये क्विंटल गेहूं बिका था और आज के तारीख में 1600 रुपये कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जब किसान के हाथ से कुछ दिन पहले प्याज, गेहूँ, आपको दाल या आलू जब निकल गया तो उसका दाम 50-60 रुपये प्याज चला गया और 60 रुपये आलू चला गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यह सरकार जो है वो बिल्कुल पूंजीपतियों और बिचौलियों का खेल करवाना चाहती है। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद को लेकर अरे राज्य में भी बंदी का छीटपुट असर देखने को मिला, देखिए ये रिपोर्ट।
चकिया में भी विभिन्न विपक्षी दलों ने किसान के समर्थन में एनएच 28 को जाम कर नाराजगी प्रकट की। इस दौरान सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। एनएच 28 जाम होने से घंटों गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। उधर मुजफ्फरपुर जिले के कांटी में भी बंदी का भरपूर असर देखने को मिला। राजद समेत तमाम संगठनों ने सड़क पर उतरकर बंदी को सफल बनाने के लिए घंटों चक्का जाम रखा। भारत बंद का मेहसी प्रखंड में भी मिला जुला असर देखने को मिला। लगन के कारण बंद समर्थकों ने बाजार बंद नहीं कराया, लेकिन एनएच 28 को मेहसी हाई स्कूल के पास करीब 2 घंटे जाम रखा। बंद समर्थक महागठबंधन के माकपा प्रत्याशी राजमंगल प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में एनएच 28 पर चक्का जाम कर किसान विरोधी कानून को वापस करने की मांग की। उधर शिवहर में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। राजद विधायक चेतन आनंद खुद बैलगाड़ी पर सवार होकर कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद का समर्थन करते देखे गए। देखिए, हम जैसा कि सभी लोगों को ये हिदायत देंगे कि आप लोग एक बार बिल पढ़िए कि जिस हिसाब से ये बिल बना है, ये सीधा सीधा आपको प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरे भारत को रोकने की बात है। और ये जो है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम में, वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज किसानों को कराने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिलायंस, अदानी और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, इस देश को किस तरीके से कब्जे में लिया जाए, इस देश को के नागरिक को, इस देश के किसान को किस तरीके से अपने गिरफ्त में किया जाए, उसके लिए ये कानून बनाया गया है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और सभी लोगों को जिन्होंने ये बिल नहीं पढ़ा है उनको हिदायत देते हैं, एक बार आप जरूर इस बिल को पढ़िए और समझिए कि आपके साथ क्या गलत किया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में भी आज बंद का व्यापक असर देखने को मिला। स्टेशन चौक के पास कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान जमकर आगजनी और नारेबाजी भी की गई। कुल मिलाकर देखें तो बंद का व्यापक असर बेतिया में भी देखा गया। रोड पर है पूरे भारत वर्ष में किसान आंदोलन के रूप में आज का दिन केंद्र सरकार के विरोध में काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसान विरोधी ये सरकार जब तक जो है MSP लागू नहीं करती है और किसान विरोधी ये तीनों कानून जो पूंजीपतियों के हाथ किसान को गिरवी रखना चाहती है वापस नहीं लगे लेगी, तब तक सड़क से लेकर के सदन तक राष्ट्रीय जनता दल सहित पूरा महागठबंधन किसान के पक्ष में जो है सड़क पर उतरा हुआ है और क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। ये जो काला कानून है पूरे देश में किसानों के विरोध में, तब तक ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे महागठबंधन के बैनर के तले, जब तक भारत सरकार MSP किसानों के लिए लागू नहीं करती तब तक रोड से लेकर सदन तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस मांग को हम लोग मनवा के रहेंगे, इसके लिए जो होगा। क्योंकि भारत बंदी का मुख्य उद्देश्य आज के है कि जो किसानों के खिलाफ जो बिल पारित हुआ है, जो बिल बना है, इसकी क्या विरोध में आज भारत बंदी किया है, क्योंकि इसमें किसान एक तरह का खुद अपनी कृषि में मजदूर साबित होगा, इसलिए सब बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने पंचायत चुनाव को लेकर उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, SDO, SDPO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी, ससमय संपन्न कराने हेतु समीक्षा की। इस दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा कि 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएं। प्रथम चरण में 4 प्रखंडों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने इस बाबत आवश्यक तैयारी कर लेने का निर्देश SDO SDPO को दिया। वहीं फोर्स मोबिलाइजेशन का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। सघन गश्ती कराने, लीकर की आवाजाही पर अंकुश लगाने, रास्ता जाम करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि लीकर का आवाजाही जिस थाने अनुमंडल से होगी उस थानेदार पर भी कार्रवाई की जाएगी और अनुमंडल पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रखंडवार, अनुमंडलवार काउंटिंग हॉल, स्ट्रांग रूम को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि नल जल योजना की उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी समीक्षा करें, जहां भी जिस भी स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं दोषी पाए गए मुखिया वार्ड सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जो भी मुख्यालय स्तर से निर्देश आता है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। RWD के JEE AE से गली नाली का जांच कराएं। वहीं जिलाधिकारी ने उप विकास
विकास आयुक्त को पंचायती राज विभाग के कार्यों की हर माह समीक्षा करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को कितने चरण में चुनाव कराने हैं, कितने कर्मी लगेंगे, उनके प्रशिक्षण, कितने फोर्स की आवश्यकता होगी इसका आकलन कर लेने का निर्देश दिया है और कितने संवेदनशील ब्लॉक हैं उसकी सूची बना लेने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। वहीं जिलाधिकारी ने पूर्व में हुए पंचायत चुनाव के बारे में भी जानकारी ली। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। आजाद हिंद फौज के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि फिनहरा थाना और मधुबन थाना के बॉर्डर पर बंजरिया निवासी आजाद हिंद फौज का सरगना दीपू सिंह आया है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने मधुबन एसएसबी और फिनहरा थाना के सहयोग से छापेमारी की। इस दौरान कुख्यात अपराधी दीपू को धर दबोचा गया। बता दें कि गिरफ्तार अपराधी पर फिनहरा थाने में 3 मामला दर्ज है। इसके अलावे कई और थाने में भी इसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमा दर्ज हैं, जिसकी जांच की जा रही है। खबर प्रस्तुत किए जाने तक अपराधी को फिनहरा थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। छापेमारी में एसएसबी मधुबन, एसटीएफ मुजफ्फरपुर और फिनहरा थाना के दरोगा दिलीप सिंह, हरेंद्र कुमार सहित अन्य शामिल थे। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से एक युवक की हत्या की खबर आ रही है। पूरा मामला थाना क्षेत्र के बहुअरवा टोला चैनपुर की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 18 वर्षीय एक युवक को धारदार हथियार से हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया था। सूचना पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर मृतक की मां अलका देवी ने थाने में दिए आवेदन में गांव के कई लोगों को आरोपी बनाया है और जमीन विवाद को लेकर हत्या की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि उनका पुत्र घर से बाइक पर बारात जाने के लिए निकला, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं आया। देर रात तक नहीं आने पर फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों द्वारा उनके पुत्र के शव को रेलवे ट्रैक के पास मिलने की सूचना मिली। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत महिला थाना स्थित यातायात ओपी का उद्घाटन चंपारण रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे, मेजर राजीव कुमार, नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर, सदर पुलिस निरीक्षक सतीश चंद्र माधव, थाना अध्यक्ष उग्रनाथ झा, महिला थाना अध्यक्ष पूनम कुमारी उपस्थित रहे। बताते चले कि यातायात ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार मिश्रा बनाए गए हैं। इसके अलावा ओपी प्रभारी के अंदर 6 पुलिस अवर निरीक्षक एवं सहायक पुलिस अवर निरीक्षक तैनात किए गए हैं, साथ ही 25 महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस मौके पर डीआईजी ने कहा कि नगर में प्रतिदिन जाम की स्थिति को देखते हुए तथा दुरुस्त ट्रैफिक व्यवस्था के मद्देनजर जिला मुख्यालय में एक यातायात ओपी की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि आज से विधिवत रूप से यातायात ओपी द्वारा अपना कार्य शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि यातायात ओपी में तैनात सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को यातायात के मामले में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा ठंड के मौसम एवं कुहासा की स्थिति को देखते हुए बेतिया और शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि में पैदल गश्ती की व्यवस्था की गई है, ताकि इस मौसम में हो रही चोरी की घटनाओं पर काबू पाया जा सके। इसके लिए बेतिया नगर के 39 वार्ड को 9 बीट एवं शिकारपुर 25 वार्ड को 5 बीट में बांटा गया है। प्रत्येक बीट में फिलहाल 2 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जो अपने अपने क्षेत्रों में पैदल रात्रि गश्ती करेंगे और गश्ती के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में चिन्हित स्थानों पर रखे गए रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही सप्ताह में किसी एक दिन पुलिस के वरीय पदाधिकारियों द्वारा रजिस्टर एवं बीट में तैनात पुलिस कर्मियों की जांच करेंगे कि वे अपने ड्यूटी में उपस्थित हैं कि नहीं। आज जैसे ये थाना खुला था, ऐसा नहीं कि आज अजूबा हो जाएगा और हमारा ट्रैफिक दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक के लिए एक डेडिकेटेड टीम रहेगी, एक प्रभारी रहेंगे, तो कम से कम जो एक विंग होता है जो ट्रैफिक के लिए स्पेशल सोच सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आइडिया जनरेट होगा और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, जैसे पुलिस हो गई, डीएम साहब हो गए, या अलग ट्रांसपोर्ट के लोग हो गए, व्यवसायी वर्ग हो गए, कई स्टेक होल्डर होते हैं जो जिसके कारण ट्रैफिक स्मूथ किया जा सकता है। सभी लोगों के साथ एक बैठक प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म पे आयोजित की जाएगी। उस संबंध में ये जो ट्रैफिक प्रभारी होंगे ये एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म में हमारा जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके। तो इस पर्पस से ये खोला गया, ये नहीं कि आज खुला है और आज हमारी ट्रैफिक दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन लंबे समय में, एक आध महीने में, दो महीने में आप लोगों को रिजल्ट दिखने लगेगा, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहे हैं हर स्टेक होल्डर के साथ,
लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, इंक्रोचमेंट है, मान लिया जो माल उतारा जाता है व्यवसायिक वर्ग का उनका टाइमिंग है, बड़ी वाहनों का जो शहर में प्रवेश होता है उसको लेकर नो एंट्री जोन या वन वे ट्रैफिक, ये सब आगे भी किया जाना है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम का होना ज़रूरी था जो इन सब चीज़ों पर अध्ययन करें और वो उस पर काम करें और उसके अकॉर्डिंग विभिन्न प्लेटफॉर्म पे ये सब प्रपोजल रख सके ताकि आगे समुचित कार्रवाई हो सके। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नौतन बैरिया विधायक नारायण प्रसाद ने सोमवार को मनरेगा सभागार भवन में आयोजित प्रखंड व अंचल कर्मियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के तरफ से चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने में किसी प्रकार की अवैध वसूली की गई तो ऐसे लोगों को अब नहीं बख्शा जाएगा। पश्चिमी नौतन पंचायत के संतपुर निवासी एक आदमी से राजस्व कर्मचारी अफलातून खान द्वारा दाखिल खारिज के नाम पर 3500 रुपये वसूल किए जाने पर विधायक ने अंचलाधिकारी कुमार भास्कर से जवाब मांगते हुए समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। वहीं नारायण प्रसाद ने सरकार की सभी योजनाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करने पर जोर दिया। वीडियो निभा कुमारी और सीओ भास्कर ने विधायक नारायण को माला पहनाकर और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर कृषि पदाधिकारी मनोरंजन प्रसाद, शौचालय समन्वयक प्रतीश कुमार, उत्तरी मंडल अध्यक्ष राजकिशोर ठाकुर, पूर्व प्रमुख राकेश वर्मा उर्फ गुड्डू लाल सहित अन्य उपस्थित रहे। पूर्वी चंपारण के मधुबन में शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने मधुबन के धबौलिया गांव से चुलाई शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में थाना अध्यक्ष विपिन, सीओ राकेश रंजन समेत एसएसबी के जवान शामिल थे। पूर्वी चंपारण के पिपरा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एनएच 28 पर मोतिहारी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक स्विफ्ट कार ने खड़ी ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसका इलाज स्थानीय नर्सिंग होम में चल रहा है। मृतक की पहचान मोतिहारी के चांदमारी निवासी 25 वर्षीय आर्यन राज के रूप में की गई, जबकि घायल कार ड्राइवर तुरकोलिया थाना क्षेत्र के मजुरा निवासी सिकंदर शाह बताया जाता है। मामले को लेकर पिपरा थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मृतक अपने घर से केसरिया बहन की विदाई कराने जा रहा था कि इसी दौरान घने कोहरे के कारण दुर्घटना घटी। वहीं उन्होंने कहा कि सबको पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी भेज दिया गया है। अगली खबर पूर्वी चंपारण के मधुबन से है, जहां पीडीएस दुकानदार के डिक्की से बदमाशों ने 50,000 रुपये उड़ा लिए। बताया जाता है कि सेंट्रल बैंक से रुपए निकाल कर पीडीएस दुकानदार चाय पीने के लिए स्थानीय डाक बंगला चौक पर रुका था, इसी दौरान यह घटना घटी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सेंट्रल बैंक से हमने 50,000 रुपये का चेक भरकर और हमने जाकर कैशियर को दिए हैं और वहाँ से मुझे 50,000 रुपया प्राप्त हुआ है और जब वहाँ से निकले हैं तो बैंक में ही कैश को काउंट करने के बाद में लाल पोलोथीन में हम डाले हैं। डालने के बाद में हम नीचे उतरे हैं, एटीएम के आसपास में हमारा मोटरसाइकिल खड़ा था, उस डिक्की में पैसे डाले हैं और डालकर हम निकल कर डाक बंगला चौक पर भीमराव अम्बेडकर तोरण द्वारा के आसपास में मोटरसाइकिल हम खड़ा किए हैं चाय के दुकान में और चाय पिए हैं। चाय पीकर पैसा देने गए हैं दुकानदार को, उसी क्रम में मेरा डिक्की से पैसे निकाल लिया गया है। वह मास्टर चाबी हो या जिस तरह हो, लेकिन मेरा डिक्की खोला पाया गया है। तब तक हम कुछ ध्यान गया है मेरे मोटरसाइकिल पर तो देख रहे हैं कि वह हमारा डिक्की खोला हुआ है और मेरे डिक्की से पोलोथीन जो में 50,000 रुपया और चेकबुक और अन्य कागज भी था जो उससे उसके साथ साथ टोटल निकल कर भाग गया है। इधर उधर तलाश किए हैं लेकिन कहीं पता नहीं चला है और वहां पर सामने सीसी फुटेज कैमरा है और उसके बाद में बैंक में भी कैमरा है जहां लगभग जिस समय हम पैसा निकाले हैं वहां पर तकरीबन लोग 20 आदमी का तकरीबन लोग रहा होगा बैंक में, बहुत संख्या कम था और वहाँ पर ही से सेटिंग कर मेरे हाँ आया है और मेरे पैसा जो है ना डिक्की से निकाल लिया गया है। और इस तरह तो हमको जो है लगा कि जो है ना मेरे पीछे लगा हुआ है कोई और तकरीबन हम यदि कहीं जाते और कहीं जगह मिलता तो कहीं हो सके तो हमको जान से मार कर भी मेरा पैसा और मोटरसाइकिल छीन लेता लोग, लेकिन बाल बाल हम बचे हैं।
आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़। सच की आवाज़। नमस्कार।